अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, सुबह सुबह का सब दोस्तों को प्यारा सा सलाम कबूल हो। सुबह हो चुकी है, तकरीबन सुबह के 7:15 बजे हैं। इशाल और हानिया भी उठ गई है, दोनों दोनों नाश्ता कर रही है ना। हानिया, ये पापे कहाँ रखे हैं तुमने? हानिया हानिया, पापे उठाओ, पापा खाना मत। इशाल और हानिया दोनों उठ गई है, दोनों नाश्ता कर रही है एक साथ। मैं भी उठ चुका हूँ, मेरा भी नाश्ता रेडी है। जैसे ही नाश्ता करेंगे उसके बाद फिर बाहर निकलेंगे। आज बाबा के घर थोड़ा काम होना है तो वहाँ भी जाना है। ये है मेरा नाश्ता, नाश्ता वगैरह करके फिर बाहर निकलेंगे। आपको बाहर का व्यू भी दिखाएंगे, बाहर की रोटिंग भी आपको बताएंगे। हेलो, नाश्ता वगैरह कर लिया फाइनली, अब बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं अम्मा के घर पर। हेलो सर, हेलो हेलो आनिया, अरे चल बंदूक थोड़ी है, मुंह आप उठी वही रहे बेटी वगैरह से उठी वही रहे आप बूथ रखा रहे ये बने चुप बूथ चुप बूथ रखा रहे लिया लिया केर लिया केर अलिया शाल अरे बैठिया ख्याल करो अरे चालीस अरे हानिया दोस्तों नाश्ता वगैरह कर लिया, अब घर से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं अपनी अम्मा के घर पर। बच्चे भी साथ हैं, विशाल नहीं आ रही है लेकिन हानिया आ रही है मेरे साथ। हानिया ये रही हानिया, अलिया उधर अफ्रीका का डाडा जुम्मन चीजी। चल भाई काम नहीं करना क्या? जाओ इधर से क्या काम नहीं करना क्या? नहीं नहीं जाओ, चलो इधर से काम नहीं करना है। नहीं, नहीं जाओ 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 क्या भाई जाओ, दिमाग खराब नहीं करो तो जाके खड़े हो जाओ। हाँ हाँ वो पड़ा ना ऊपर। ये देखें दोस्तों काम वगैरह हो रहा है, तो बाबा के घर पर थोड़ा काम वगैरह होना है। मजदूर आ गए तकरीबन सुबह के 8 बजे। ओ भाई रक्षा आगे ले, ये टर्न करने की जगह है रक्षा। सुबह के तकरीबन 8 बजे ये काम स्टार्ट हो चुका है। दूर भी आ गए हाँ भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या निकाल रहे हो? हाँ
क्या दोस्तों आज सुबह ही सुबह में नदी में आ गया, तकरीबन सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मैंने सोचा आज नदी का चक्कर लगाते हैं सुबह ही सुबह, क्योंकि सुबह सुबह जो नदी का जो मौसम होता है वो बहुत अच्छा होता है, व्यू जो होता है बहुत अच्छा होता है। अब ये पानी जा रहा है, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं पानी के उस तरफ जाऊँ। अब कैसे जा सकता हूँ ये तो मुझे यहाँ जो भाई हैं काम कर रहे हैं वही बता सकते हैं कि मैं यहाँ कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे रास्ता वहाँ का पता नहीं है कहाँ तक है, क्योंकि हम छोटे थे तो यहाँ पानी नहीं था, पानी यहाँ होता था, इस तरह पानी होता था, ये बड़ी होती थी। लेकिन ये खेती बाड़ी करने वालों ने जो ना अपना रास्ता बना लिया है, ये खेती बाड़ी बनाने के लिए तो पानी को यहाँ से निकाल दे दिया है। भाई यहाँ से रास्ता कहाँ है ऊपर जाने का? यहाँ से फिर भी एक रास्ता तो होगा ना। अभी देखो सूरज अभी निकला है, अभी धूप हो गई है, अभी यहाँ बैठना और खड़े होना मुश्किल हो गया है। अब जाने की करेंगे क्योंकि धूप निकल चुकी है। अभी सूरज निकला है, अब धूप निकल गई है भाई, अब तो जाना पड़ेगा घर पर। दोस्तों खेती बाड़ी में चक्कर वगैरह लगा लिया, अब वापस जा रहे हैं घर पर। सुबह सुबह का टाइम है, अभी 9 भी नहीं बजे, समझो कि 9 में भी अभी 10-15 मिनट हैं, तो ये सुबह सुबह का टाइम है। सूरज निकल चुका है तो धूप आ गई है, जिसकी वजह से यहाँ बैठना या खड़ा होना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये खुला मैदान है। यहाँ पर जब धूप निकल जाती है, सूरज आ जाता है, उसके बाद यहाँ बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब सूरज नहीं था, छाँव थी, तब हम बैठे थे, बातें वगैरह कर रहे थे, लेकिन अब सूरज निकल चुका है, धूप आ गई है। ये देखें खेती बाड़ी कर रहे हैं लोग अपनी। अब हम निकलते हैं बाहर, जाते हैं घर की तरफ। हवा तो बहुत ठंडी ठंडी आ रही है, लेकिन धूप भी है साथ में।
ये देखे हवाएं बहुत है, हवा के साथ साथ धूप भी ज़्यादा है। अब हम बाहर निकल आए, जा रहे हैं घर की तरफ। घर भी मेरा सामने ही है, ये देखें आप, आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने आपको घर नज़र आ रहे हैं, यहीं पर ही घर है। सामने देखें आपको नज़र आ रहा है, एक कमरा नज़र आ रहा है, ऊपर जो दो सुराख नज़र आ रहे हैं, ऊपर जो कमरा बना हुआ है दो सुराख, ये मेरा घर है। ये देखें ऊपर बिल्कुल सीधा सीधा जो कमरा बना हुआ है, ये मेरा घर है। तो घर भी मेरा करीब में ही है, ऐसा नहीं है कि मेरा घर दूर है, घर भी मेरा करीब है। अब जाते हैं घर पर, पानी वगैरह पियेंगे क्योंकि थकन हो गई है बहुत। विशाल हानिया, ये देखें भाई घर आ गए, ये दोनों बैठी हुई है, ये विशाल, ये हानिया। हानिया कहाँ गए थे? ये देखो दोनों दोनों खेल रही है यहाँ बैठ के, विशाल और हानिया। अच्छा हैं जैक, हानिया क्या कर रही हो बेटा? चलो दोस्तों आज के व्लॉग को यहीं पर करते हैं ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।